मैं अध्यक्ष समापन के लिए बाबूजी से विनंती करता हूं। बाबूजी आप यहां पर पधारे। माननीय राष्ट्रीय मंत्री जी, महामंत्री जी, श्री धापक जी, उपस्थित सज्जनों, देवियों, प्रफुल्ल भाई ने अपने अनुभव के आधार पर एक बहुत बड़ी बात आप सबके सामने रखी है। आप और हम सब एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो जैन समाज है इसमें अनेक खूबियां हैं, और वह अनेक खूबियों में यह है कि ये भले ही एक किसी गांव में, शहर में कहीं एक या दो या चार परिवार है, वहां की बाकी पॉपुलेशन के साथ में इसको अपने आप को एडजस्ट करने की बहुत बड़ी कला आती है, और उसके कला के कारण ही यह समाज अपना स्थान देश भर में बना पाया है। अब ये बात सही है कि 100-150-200 साल पहले हमारे पूर्वज परिस्थितियों वश अपने इलाके से निकल करके आए थे, पर उन्होंने निकल करके आने के बाद में जो खूबी पैदा की उसकी तारीफ तो करना पड़ेगी। उन्होंने जो अपना स्थान बनाया वो कितनी बड़ी बात है। प्रफुल्ल भाई, एक घटना मुझे याद है। मैं चेन्नई गया था, एक सज्जन मुझे मिले, उन्होंने बताया कि मैं जैन हूं। मैंने पूछा कि आपके सरनेम के साथ में तो मेथा लिखा हुआ है, METHA। मैंने, आप ठीक कह रहे हैं, इस सरनेम से तो इंगित नहीं होता कि मैं जैन हूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, तो कहने तमिलनाडु में नॉर्थ इंडियंस के प्रति, हिंदी भाषी लोगों के प्रति थोड़ी सी दुर्भावना है। तो फिर क्या हुआ, कहने मैंने मेहता से अपने आप को मेथा कर लिया और मैं यहां का लोकल बन गया। अब देखिए, ये कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं किया हमने, METHA के बजाय METHA कर दिया। अब ये जो कला है ये कहां, कौन सी किताब में लिखी हुई है? पर ये हमारा जो जैनी भाई है ये स्वयं इतना होशियार है कि उसने अपना स्थान बना लिया। मुझे यह भी मालूम है, क्योंकि पिछले करीब 60 सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। आज भी मूथा जी ने बहुत बड़ी बात कही थी पिछले सत्र में, इन युवाओं को जोड़ने की। ये विचार प्रफुल्ल भाई मेरे मन में काफी दिनों से आ रहा था कि हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते हैं। आज युवा पीढ़ी को आगे ला करके संस्कारवान बनाना, इस संघर्षमय जीवन में से अपने रास्ते सुलभ करवाना अत्यंत आवश्यक है। मुझे मालूम है कि हमारे समाज में भटकाव है, हमारे समाज में लड़कियां लड़कों से अधिक शिक्षित हो रही हैं। परेशानी तब आती है कि जब उनके लिए प्रॉपर मैच नहीं मिल पाते हैं। अभी घटना बात बताई गई थी गांव की, गांव में पीने का पानी भी नहीं है तो वहां के लड़कों को लड़कियां देना नहीं चाहते लोग। इन सारी समस्याओं का हल यदि कहीं है तो इस हमारे जैन समाज को आगे आकर के समाज की सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना पड़ेगा। आज का राजनीतिक जीवन अत्यंत आवश्यक हो गया है, हम राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना स्थान बना सकते हैं। और मुझे मालूम है हमारे इतने आधे प्रतिशत पॉपुलेशन के लोग लीड करने की क्षमता जो रखते हैं वो बाकी के सारे समाज के वर्गों से बहुत अधिक ताकत रखते हैं। हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमें शासकीय सेवाओं में भी जाना होगा बड़ी संख्या में, शासकीय सेवाओं के माध्यम से हम अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमता, इसकी पहचान बना सकते हैं। इन सारे कामों में हमें भाग लेना चाहिए। मैं भारतीय जैन संगठन के इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, प्रफुल्ल भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माननीय मूथा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम मध्य प्रदेश में भी हमारी अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसको लागू करवाने के प्रयास के लिए लगातार लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि ये सारे काम आसान नहीं होते, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। माननीय प्रफुल्ल भाई स्वयं अपनी टीम लेकर के वहां पर आए थे, राज्य सरकार से मैंने उनका चर्चाएं करवाई हैं, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश जैसा प्रांत शैक्षणिक दृष्टि से हमारी योजनाओं के साथ जुड़ जाए
जहां 1 लाख शासकीय स्कूल हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का काम हमारे पास दिखता है। और मैं तो सराहना करना चाहता हूं माननीय मुथा जी की और पारिक जी की कि उन्होंने स्वयं होकर के ये ऑफर दिया कि मध्य प्रदेश के 25, 30, 40, 50 इतने स्कूल यदि हमारे जिम्मे कर दिए जाएं, तो हम भारतीय जैन संगठन की जो हमारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से अच्छे छात्र, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्राचार्य, अच्छा शैक्षणिक वातावरण और उनकी क्षमता इनके बढ़ाने में हम काम कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जैन संगठन को वो अवसर जल्दी प्राप्त होगा। आप ये जो प्रयत्न कर रहे हैं नए क्षेत्र में जो प्रवास अब करने वाले हैं, आप युवाओं के लिए, युवाओं को भी जोड़े, युवतियों को भी जोड़े। और यह बात भी सही है, आगे आने वाले समय में हम और आप लोग तो नहीं होंगे, पर वो युवा पीढ़ी को अवसर करने का बहुत बड़ा अवसर होगा। इस शक्ति का जो आपने चयन किया है, इसके लिए मैं आप सराहना करते हुए अपनी बात को ये विराम देता हूं। वंदे मातरम।